हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा विषय भूगोल से है जिसमें हम आपको बताएंगे भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे और उन प्रश्नों को बताएंगे जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं जिससे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पर और इसके साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम आपको जो भी बताएंगे भूगोल से संबंधित प्रश्न के बारे में उन सभी का उत्तर आपको मैप के द्वारा बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए तुरंत तो दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर फ्रेंड्स हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अच्छांसीय विस्तार किन अच्छांशों के बीच है भारत का स्थलीय भूभाग आठ अंश चार मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। हम इसको आपको मैप के द्वारा बता रहे हैं आप देखिए देखिए फ्रेंड्स आठ अंश चार मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पे है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है आठ अंश की ये रेखा गई है ये वाली आठ अंश की रेखा गई है इससे थोड़ा सा आगे यहाँ से आठ अंश चार मिनट उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पे देखिए 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है ये देखिए छत्तीस अंश की जो है यहाँ से रेखा गई है तो यहाँ पे 37 अंश अन, और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पे है भारत का मुख्य स्थलीय विस्तार जो अच्छांशीय विस्तार है वो यहाँ पे हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स आप लोग कहेंगे कि ए उत्तरी अक्षांश है, है क्योंकि ये दक्षिण बिंदु है तब भी उत्तरी अक्षांश अच्छा, है यहाँ पे उत्तरी बिंदु है तब भी दक्षिणी अच्छा उत्तरी अक्षांश आप कह रहे हैं तो हम आपको बताते हैं इसको उत्तरी अक्षांश दोनों तरफ ही क्यों कहा गया है आठ अंश चार मिनट उत्तरी अक्षांश और सैंतीस मिनट छः अंश उत्तरी अच्छांश ही क्यों हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं एक मैप के द्वारा आपको हम समझाएंगे फ्रेंड्स ये मैप में देखिए ये जो है विश्वत रेखा है रेखा की इस तरफ उत्तरी भाग होता है इस तरफ दक्षिणी भाग तो ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है इसलिए भारत यहाँ पे स्थित है तो इसलिए ये आठ अंश चार मिनट आठ अंश चार मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा ये सैंतीस अंश यहाँ पे 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ही इसको कहा जाता है तो हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन है फ्रेंड भारत में शीर्ष पांच तटरेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं जो जिनकी लंबाई तटरेखा बहुत ही लंबी है लंबी से कम होते होते है पहले नंबर पे गुजरात है जिसकी सब तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है उसके बाद आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु महाराष्ट्र एवं केरल हैं इन पांच राज्यों को जो तटरेखा वाले सबसे लंबे तटरेखा जिनकी है उन राज्यों के बारे में हमने बताया है भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा आठ राज्यों से होकर गुजरती है और उनके नाम क्रमशः हैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा ए मिजोरम हैं ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर ही याद कीजिएगा चलिए आगे चलते हैं भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है केवल रांची ऐसा मात्र शहर है जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित है आइए हम आपको मैप के द्वारा समझाते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये है रांची एक कर्क रेखा गई है भारत के मध्य से तो यहाँ पे रांची है झारखंड की जो राजधानी है ये यहाँ पे स्थित है एक, एक कर्क रेखा पर स्थित है अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य सॉरी दोस्तों त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा है हम आपको मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं यहां देखिए फ्रेंड ये है जो ए एरिया है ये त्रिपुरा है त्रिपुरा जो है इधर भी बांग्लादेश है इधर भी बांग्लादेश है इधर भी बांग्लादेश है तीनों तरफ तीनों तरफ है बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश राज्य से घिरा हुआ है बाकी ये मिजोरम है इधर म्यांमार है इसलिए ये नहीं घिरा हुआ है केवल त्रिपुरा ये ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है अगला क्वेश्चन पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी सर लंबाई सर्वाधिक है जम्मू कश्मीर की लंबाई सर्वाधिक है जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं 1225 किलोमीटर इसकी लंबाई है अगला क्वेश्चन पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है 24 अच्छा रेखा के सहारे पाकिस्तान कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है दोस्तों हम इसको आपको मैप के माध्यम से समझाएंगे जिसको आपको जल्दी समझ में आएगा दोस्तों देखिए ये जो मैंने डॉट डॉट किया है नीले रंग से ये है कच्छ का रन यहाँ पे कच्छ का रन है ये साढ़े तेईस अच्छांश रेखा से कर्क रेखा जाती है इसके थोड़ा सा ऊपर चौबीस अच्छांश की रेखा गई है और पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ से उसका कब्जा हो इधर लेकिन भारत का जो है भारत का क्षेत्र है वो यहाँ से चौबीस अच्छांश रेखा जो गई है उसके आगे सत्ताईस किलोमीटर उत्तर की तरफ सत्ताईस किलोमीटर उत्तर की तरफ भारत का अधिकार है उस पर जबकि पाकिस्तान चाहता है कि वो यहां से जो चौबीस अच्छांश रेखा गई है वहां से उसका कब्जा हो इसलिए पाकिस्तान यही चाहता है लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता भारत का कब्जा यहां से चौबीस अच्छांश रेखा जो गई है उसके सत्ताईस किलोमीटर उत्तर की तरफ से भारत का उस उसपे अधिकार है आगे चलते हैं फ्रेंड्स सर रेड क्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था 15 अगस्त 1947 का सीमा का निर्धारण भारत पाक का किया गया था भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था डूरंड रेखा का नाम था भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा था फ्रेंड्स हम बार बार आपसे ये कहेंगे कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार परीक्षा में आते ही आते हैं तो आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से इसका उत्तर जानिएगा जिससे आपका फायदा करे आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है अफगानिस्तान के है सबसे कम सीमा विस्तार जिसका सीमा विस्तार केवल 106 किलोमीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से सीमा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य नेक्स्ट क्वेश्चन भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है भारत ही ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से के नाम पर पड़ा है बाकी और किसी देश का नहीं पड़ा है यूनानियों ने सिंध को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा यूनानियों ने ही कहा था भारत की आकृति कैसी है चतुष्कोणीय आकृति है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का है उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का देश है समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है फ्रेंड्स हम इसको आपको मैप के माध्यम से बताएंगे फ्रेंड्स आप यहां देखिए ये जीरो जीरो देशांतरीय रेखा गई है ये जीरो देशांतरीय रेखा गई है भारत की स्थिति जो है इसकी पूरब की तरफ है यहाँ पे पूरब की तरफ है इसलिए ये पूर्वी देशांतरीय रेखा पर स्थित है और ये जो है विश्वत रेखा है इसके उत्तर की तरफ है इसलिए इस उत्तरी अक्षांश की तरफ है इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में है तो आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे मैप में हमने जो आपको बताया कि भारत की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध है फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है जिसका विश्व में 2.43 परसेंट हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगला क्वेश्चन देश का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में बत्तीस किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में उन्तीस किलोमीटर है दोस्तों हम इसको आपको मैप के माध्यम से समझाएंगे आइए आपको समझाते हैं आइए हम देखते हैं दोस्तों फ्रेंड्स देखिए ये उत्तर बिंदु ये दक्षिण बिंदु। उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर है और जबकि यहाँ पूरब ये पश्चिम से और इधर पूरब तक पश्चिम से पूरब तक यहाँ तक जो है भारत की पश्चिम से पूरब तरफ भारत की जो है लंबाई चौड़ाई जो है इसकी वो उनतीस सौ किलोमीटर है ठीक है फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन भारत का मुख्य स्थलीय भूभाग का देशांतरीय विस्तार किन देशांतरों के बीच है अड़सठ अंश सात मिनट पूर्वी देशांतर से सतानवे अंश पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है देखिए फ्रेंड मैप के माध्यम से हम आपको इसको भी बता रहे हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अड़सठ अड़सठ अंश सात मिनट पूर्वी देशांतर और इधर सत्तानबे अंश पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है फ्रेंड्स आज के बस आज की वीडियो में इतना ही हम आपको अगले वीडियो में भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में आपको और बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और सभी परीक्षाओं में लगभग लगभग आते रहते हैं हमेशा तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तुरंत देख सकें धन्यवाद